प्यारे बच्चों, आओ आज हम और कुछ उर्दू के हरूफ तहजी सीखते हैं। आपने पिछले सबक में सीखा अलीफ, जो एक सिर्फ लकीर के शक्ल में है, बे जो एक नाव की शक्ल में है और उसके नीचे एक नुक्ते है नुक्ता है, पे इसी नाव के शक्ल में इसके नीचे तीन नुक्ते हैं, ते नाव के शक्ल में और उसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ते नाव के शक्ल में उसके ऊपर एक छोटा सा तोय है, से इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, जीम इसकी बनावट को याद रखिए, आपने प्रैक्टिस किया होगा, जीम इसके नीचे एक नुक्ता, चे इसके नीचे तीन नुक्ते, है ये खाली है, खे इसके ऊपर एक नुक्ता, दाल खाली है, इसके बनावट को गौर करिए, इस बनावट के तीन हर्फ हैं, दाल यह डाल इसके ऊपर एक तो है छोटा सा और जाल इसके ऊपर एक नुक्ता। आज हम पढ़ेंगे रे, इसकी बनावट को गौर करिए, ध्यान दीजिए ये दाल से कुछ थोड़ा सा अलग है, इसको आप गौर करना है, यह है रे इसके ऊपर छोटा सा तोय है, यह है जे इसके ऊपर एक नुक्ता है, यह है झे इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, यह है सीन ये खाली है और इसके बनावट को गौर करिए, तीन छोटे छोटे सोच से निकले हुए हैं और ये खाली है, इसमें नुक्ते नहीं है, और ये शीन है इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, ये सीन और ये शीन। बच्चों को सिखाने के लिए समझाने के लिए हम इसे छोटी सीन और इसे बड़ी शीन कहते हैं। यह है स्वाद, इसकी बनावट को गौर करिए, एक ही बनावट के दो हर्फ हैं, यह स्वाद यह जात, स्वाद खाली है, जात के ऊपर एक नुक्ता है, यह है तोय, इसकी बनावट को गौर करिए, इसी बनावट के दो हर्फ हैं, यह है तोय यह है जोय, तोय खाली है, जोय के ऊपर एक नुक्ता है। तो आज आइए अब सीखते हैं कि अलग अलग जबान में रे को कैसे किस हर्फ के साथ इसका तलफ्फुज मिलता है। इंग्लिश में आर लफ्ज के साथ इसका तलफ्फुज मिलता है, उड़िया में रॉ के साथ इसका तलफ्फुज मिलता है और हिंदी में रा के साथ मिलता है। रे इसका सही तलफ्फुज इंग्लिश में नहीं है तो हम इसे आर एच लगाकर इसका तलफ्फुज निकालने की कोशिश करते हैं। रा उड़िया में दो है, एक दो के नीचे एक नुक्ता वाला र और एक लो वाला र, हिंदी में एक ही र है, जे यह है जे और इसका इंग्लिश में तलफ्फुज जेड से निकलता है, उड़िया में इसका सही तलफ्फुज नहीं है तो जो लिखेंगे और इसे पहचानने की याद रखने के लिए कि ये जो से अलग है इसके नीचे एक नुक्ता लगा देंगे ताकि ये जो ना पढ़ा जाए जो पढ़ा जाए। इसी तरह हिंदी में जो के नीचे एक नुक्ता लगाया जाता है। अच्छा ये है जे, जे जो इसका तलफ्फुज हम जेड और एच लगा के निकाल सकते हैं, उड़िया में झो है, हिंदी में भी झो है हमारे पास। तो सीन, सीन का तलफ्फुज जो है हम एस से निकालते हैं, उड़िया में दंतेश्व से निकालते हैं और हिंदी में भी दंतेश्व से निकालते हैं। शीन, शीन का तलफ्फुज एस एच लगा के निकालते हैं, उड़िया में तालवेश्व से निकालते हैं और हिंदी में भी तालवेश्व से निकालते हैं। यह है स्वाद, स्वाद का तलफ्फुज एस से निकालते हैं और उड़िया में हमने कोशिश की कि अगर हमारे पास 300 है मौजूद अवेलेबल है तो हम सीन को जो है दंतेश्व से निकालेंगे और शीन को जो है तालवेश्व से निकालेंगे और स्वाद को जो है हम मुदनेश्व से निकालेंगे। तो उसी तरह हमने हिंदी में भी मुदनेश्व का इस्तेमाल किया है। ये स्वाद है जिसे इंग्लिश में कभी जेड कभी डी से तलफ्फुज इसका निकाला जाता है। तो ये ज है, ज के
नीचे एक नुक्ता लगाएंगे और ज्वात का तलफ्फुज निकालने की कोशिश करेंगे। उसी तरह हिंदी में भी ज के नीचे एक नुक्ता लगा के ज्वात का तलफ्फुज निकालने की कोशिश करेंगे। यह है तोय, और आपको मालूम है कि इंग्लिश में तोयल का सही तलफ्फुज नहीं है, तो इसे टी से निकालेंगे। लेकिन उड़िया में हमारे पास तो है और हिंदी में भी हमारे पास तो है, तो तोय का तलफ्फुज उड़िया में तो से और हिंदी में भी तो से निकालेंगे। यह है जोय, जोय का तलफ्फुज इंग्लिश में जेड से निकालेंगे और उड़िया में जो के नीचे एक नुक्ता लगाएंगे ताकि इसे जो ना पढ़ा जाए, ज पढ़ा जाए। हिंदी में भी जो के नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। ये आज का सबक है, आप लोग कॉपियां निकालिए और इसे अपने कॉपी में लिखिए, बार बार इसका मस्क करिए, प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी हर्फ को याद नहीं रख पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है किसी जबान को सीखने के लिए। तो आप आज के लिए इतना ही, आपसे गुजारिश है कि आप भी अगर उर्दू से प्यार करते हैं, उर्दू आपकी मादरी जबान है, तो हमारी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कम से कम 4-5 लोगों तक इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू, शुक्रिया।